श्री राम भगवान की मृत्यु का कारण आप लोग जानते हैं, बजरंग बली जी हैं। उसके पीछे भी एक रहस्य है। बजरंग बली जी को वरदान प्राप्त है कि जहाँ पर बजरंग बली जी होंगे वहाँ पर यमराज नहीं आ सकते। यही वो कारण है कि बजरंग बली जी जहाँ पर होंगे वहाँ पर यम कभी नहीं आते। कथा इस प्रकार से है, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जन्म बाद में लिखा जाता है परंतु मृत्यु पहले लिखी जाती। यह कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। जो भी प्राणी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु पहले लिखी जाती है। इसी प्रकार से श्री राम भगवान की आयु पूरी हो गई परंतु वह आना नहीं चाहते थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि उन्हें बैकुंठ जाना है। सृष्टि में उथल पुथल ना हो यमराज और अनुरोध करते हैं कि प्रभु नारायण के आने का समय हो गया है, परंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ और श्री राम भगवान को ज्ञात कराओ कि आपका समय पूरा हो गया है, बैकुंठ धाम चलें। एक ब्राह्मण का रूप धर के यमराज पहुंचे। द्वार पर लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी से कहा कि हमें राम भगवान से मिलना है, कुछ भिक्षा लेनी है, मिलवा दीजिए। लक्ष्मण जी राम भगवान के पास में यमराज को ले जाते हैं। अब यमराज ने एक शर्त रखी कि हमारी जो वार्तालाप है वह कोई तीसरा न सुने, क्योंकि यह प्रभु श्री राम और यमराज के बीच में थी और जो भी यह वार्ता सुनेगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। राम भगवान ने कहा जैसा आप ठीक समझें, प्राण जाए पर वचन न जाए। लक्ष्मण को बुलाया और कहा द्वार पे खड़े हो जाओ और मेरी आज्ञा के बगैर अंदर कोई नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता जो यम के रूप में श्री राम भगवान को लेने आए थे, यम ने अनुरोध किया प्रभु आपका समय हो चुका है जाने का बैकुंठ, मैं यम हूँ, आपको याद दिलाने आया हूँ। अब लीला तो रची हुई है। दुर्वासा ऋषि आते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण कहने लगे वह अभी कोई बातचीत कर रहे हैं, गुप्त बातचीत, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, आपको मिलवा देंगे। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, कहने लगे पूरी अयोध्या को मैं जला के भस्म कर दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। इतनी बात सुन के लक्ष्मण जी कहने लगे इससे अच्छा है कि मैं ही अपने प्राण त्याग दूं, परंतु अयोध्या तो बच जाएगी। दौड़ते हुए कक्ष में गए, वहां पर देखते हैं ब्राह्मण देवता और श्री राम भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्मण क्रोधित हुए और कहने लगे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी वार्तालाप कोई सुन न ले। तो श्री राम भगवान ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, मैंने आपको वचन दिया था उसका पालन करूंगा। और राज्य सभा बुलाई और लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी यमुना में जाकर अपने प्राण त्याग देते। तत्पश्चात अब राम भगवान को भी यह पृथ्वी लोक छोड़नी थी, परंतु वहां पर बजरंग बली जी उनके इर्द गिर्द ही रहा करते थे। विडम्बना यही थी कि जहां पर बजरंग बली जी होंगे वहां पर यम नहीं आ सकते। श्री राम भगवान ने एक रास लीला रची, अपनी अंगूठी निकाल के नदी में फेंक दी जिसका द्वार पाताल लोक में था। हनुमान जी को बुलाया कि जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ के लाओ। अब बजरंग बली जी ने तीनों लोकों में अपनी दृष्टि दौड़ाई, कहीं न नजर आई जो पाताल में जो थी। तब उन्होंने सोचा कि पाताल में होगी। तब वह पाताल पहुंचते हैं और इधर यमुना में श्री राम भगवान अपने प्राण त्याग देते हैं। यही वो कारण है कि आज भी जहां पर बजरंग बली जी विराजमान होंगे वहां पर यमराज आपको छू भी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम के साथ बजरंग बली जी हमेशा रहा करते थे। इसी वजह से उन्हें पाताल भेजा और इस लोक से त्याग कर बैकुंठ धाम में विराजमान हुए श्री राम भगवान।